हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के बाद यहां पर छात्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। यूजीसी के फैसले के खिलाफ हुए छात्र सोशल मीडिया पर विरोध। जी हाँ दोस्तों, छात्र काफ़ी ज़्यादा भड़क गए हैं, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस में फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। अब छात्रों का यहाँ पर कहना है कि क्या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको कोरोना नहीं होगा, या फिर वो कोरोना के दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार हैं, या कोरोना उनका दोस्त है। तो इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को परीक्षाएं देना पड़ेंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश शासन भी इस पर अपनी सहमति जताने जा रहा है। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भी गाइडलाइंस आने वाली। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की न्यूज़। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, DM और रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति को बुधवार को देंगे ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की ओर से 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराया है। कहा कि कोरोना महामारी के बीच परीक्षाएं लेने का मतलब छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। अगर परीक्षाएं होती हैं तो छात्र इसका बहिष्कार करेंगे। आप यहां पर देख सकते होंगे, पहले भी छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान थे जब यहां पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया गया था। तब भी कई सारे छात्र संगठन लगातार परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे और बहिष्कार की बात कर रहे थे। अब जब यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कराने की बात की गई है, एक बार फिर से छात्र भड़क चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, फैज़ मोहम्मद जो कि समाजवादी छात्र सभा के नेता हैं, यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, UGC का फैसला छात्रों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। यदि कोई छात्र छात्रा कोरोना से संक्रमित हो जाएगा तो क्या उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन व सरकार लेगी। दोस्तों आपकी क्या राय, आप अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिए। अगर परीक्षा हुई तो पहले प्रत्येक छात्र का 50 लाख का बीमा कराया जाए, वरना फैसला वापस लिया जाए। इसके साथ ही आप यहां पर देख सकते होंगे, यहां पर अजमल अंसारी जो कि MA बरेली कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे में परीक्षा कराए जाने के लिए कहा जा रहा है जब कोरोना वायरस की मार से हमारा देश विश्व में तीसरे नंबर पर पहुँच चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी मिल ही चुकी होगी कि हमारा जो इंडिया है वो कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। UGC ने भी छात्रों के स्वास्थ्य का कोई भी ख्याल नहीं रखा, ये निर्णय गलत है। इसके साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह पटेल जी का क्या कहना है, जो कि छात्र नेता हैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय के, UGC का फैसला गलत है, समाजवादी छात्र सभा इस फैसले के खिलाफ है। UGC से अनुरोध है कि अपना तानाशाही फैसला वापस ले, अन्यथा हमें लॉकडाउन में ही पूर्व की तरह यानी कि पहले की तरह सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे संजीव कुमार जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के, अभी राज्य सरकार की ओर से परीक्षाएँ कराने को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आई है, वहाँ से जैसे ही निर्देश आएंगे हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएँ थी वो 7 जुलाई से प्रस्तावित थी। रोहिलखंड विश्वविद्यालय 7 जुलाई से परीक्षाएं प्रस्तावित थीं, जिसका बीते दिनों खूब विरोध हुआ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश शासन ने CCSU मेरठ के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर परीक्षाएं कराने को लेकर रिपोर्ट मांगी। कमेटी ने विदाउट एग्जाम छात्रों को प्रमोट करने का सुझाव दिया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर बहुत जल्दी अपना डिसीजन देना चाहिए, छात्रों के जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना चाहिए, स्टूडेंट्स को किस से प्रमोट किया जाएगा इसके लिए जल्द से जल्द गाइडलाइंस जारी कर देनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश के जो लाखों स्टूडेंट इस समय परेशान हो रहे हैं वो परेशानी से बच सकें। इसके साथ ही इस बीच सोमवार को UGC ने 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ विरोध शुरू हो गया है। फिलहाल UGC इस पर आप क्या निर्णय लेगा, कि आपने फैसले को बदलेगा, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।